दिस इज बेसिकली टू शो दैट स्ट्रेस इज अ टेंसर प्रॉपर्टी राइट एंड दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एक्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज डिफाइंड इन दिस कंडीशन. तो सिमिलरली हमने इन अ मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव डिफाइंड स्ट्रेस इन दिस पर्टिकुलर फैशन सिग्मा एक्स मतलब जहां जहां पर्टिकुलर प्लेन्स पे आपके स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं सो वी हैव डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस राइट. बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस वी हैव डिफाइंड वी हैव अराउंड 9 स्टेट ऑफ स्ट्रेस. यहां पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 9 स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी गिवन है ठीक है. व्हिच इज डिफाइंड एज व्हिच इज आल्सो टू बी सेड दैट दैट आउट ऑफ 9 कंपोनेंट 6 आर इंडिपेंडेंट. तो 3 आर डिपेंडेंट रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट कंडीशंस. द नेक्स्ट जो कंडीशंस हमने डिफाइन किया है दैट इज डिफाइंड एज अ मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट कि अगर इस प्लेन पे आपका एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तो सेकेंड प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा दैट शुड बी इक्वल इन नेचर एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो इस पर्टिकुलर प्लेन पे जो मोमेंट इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस को शो करेगा. That is why it is defined as tau xy is equal to tau yz, tau yz is equal to tau zy, tau xz is equal to tau zx. So that is a simple representation of three-dimensional state of stress, right? Okay. Now moving to the next conditions. So we are going to define for two-dimensional conditions. All these things you all know. ठीक है. इट इज जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट स्ट्रेन. तो उसके बेसिस पे हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं. सिग्मा एक्स टाउ वाई इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज सिग्मा वाई. दिस इज ऑफ इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड इन दिस कंडीशन वी हैव डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस. दिस इज डिफाइंड अ सिग्मा वाई. This is also defined as sigma y. This is defined as sigma x. This one is also defined as sigma x. Tau x. X y. Similarly, tau y y x. And this is defined as tau x y. Right? Okay. So this is for the a simple representation of stress in two-dimensional conditions. Now, when we are going to define strain, so we can say that strain is also a second order tensor. So analysis is similar to stress conditions. तो जैसे हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया है सिमिलरली वी कैन डिफाइन स्ट्रेन इन द सेम फैशन राइट. सो वी कैन डिफाइन लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन की कंडीशंस को बेसिस को हम डिफाइन करें स्ट्रेन इन टेंसर टर्म. So it is to be defined as this is of epsilon ij. Epsilon you all know that is a representation of strain. So this is the strain in the x particular direction and this strain is happened because of the normal stress. So similarly shear strain is to be defined as half of this values. Find as x z by 2 shear strain y x plane by 2 sine shear strain y z by 2 shear strain z x by 2 shear strain z y by 2 and this is your z. So always remember that with respect to the
normal strain, shear strain is a half of that value, right? And based on this equation, we can define one this criteria. Now, this is important. I believe you all know this equation. That sigma n, we all know that sigma n can be written as जो कि आपका normal strain at any particular plane को define करता है, which is defined as sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sine 2 theta. So class, just tell me, क्या this equation is clear to everyone? Yes, आपने इस इक्वेशन को डिफाइन किया था और हम ये बोल रहे थे कि दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एनी प्लेन पे निकालना हो तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो. सिमिलरली उसी पर्टिकुलर प्लेन पे योर जो स्ट्रेन वैल्यूज होगी दैट इज टू बी रिटन एज सिमिलरली. अब देखो सिग्मा एक्स के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेन डेवलप होगा नॉर्मल स्ट्रेन दैट इज टू बी रिफरेंस एज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई जो कि नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ वाई की डायरेक्शन पे बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ. टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस, तो उसके रिस्पेक्ट में शियर स्ट्रेन आ जाएगा एक्स वाई बाय 2 साइन 2 theta. So these two equations are very important with respect to the stress as well as strain criteria. Based on this, when we are moving to the next section, I believe you know all these things. So we are going to define a generalized Hook law, right? So we can say that it is a generalized law that we are going to define. So when we are going to define as a Hook law means it is the material is linearly elastic and up to proportional limit that we are going to define this value. So strain can be defined as ki suppose agar aapko x direction x strain calculate karna hai, so we can write down sigma x by e. In three dimensional quantity, sigma x by e is defined as a strain in x directions, right? But sigma y bhi to act kar raha hoga aapka. So sigma y jab aapka force act karega, to uski wajah se x direction mein kitna strain develop hoga, that can be defined as minus mu sigma y by e. Similarly, z direction में कितना आएगा? That is again defined as mu sigma z by d. So this is the epsilon x which is acting at x particular direction. Similarly, if I am going to write कि भाई y direction में strain कितना होगा, so you can write the value of sigma y by e minus mu sigma z by e minus mu sigma x by d. Likewise, this can be defined in z plane also. So epsilon z, if I'm going to write this equation z, then its equation should be sigma z by e minus mu sigma y by e minus mu sigma x by e. राइट सिमिलरली अगर आपको शियर स्ट्रेस इन दैट पर्टिकुलर प्लेन को भी जानने की कोशिश करना तो वी कैन डिफाइन इन दैट वैल्यूज इज शियर स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई इज डिफाइन एज टाउ एक्स वाई बाय जी. लाइकवाइज वाई जेड इज आल्सो टू बी डिफाइन एज टाउ वाई जेड बाय जी एंड टाउ जेड एक्स इट इज टू बी डिफाइंड एज टाउ zx by g, right?
सो दिस इज द जनरलाइज्ड हुक लॉ. इफ इन दिस अगर हम इसी कंडीशंस को देखें एंड इफ यू आर गोइंग टू चेंज दिस कंडीशंस इन टू डायमेंशनल टर्म लाइक 2D कंडीशंस. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू ऑब्जर्व इन टू डायमेंशनल कंडीशंस में तो क्या होगी कि सपोज अ बॉडी उसमें एक नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. Here is case sigma x, and here in this case sigma y, right? So, if this is a case, just tell me one thing, one important thing, class. कि sigma epsilon x मतलब x direction में अगर आपको strain calculate करना है तो value कितना होगा? Can anyone tell me? This is a two-dimension state of stress. This is a two dimension state of stress. अगर आपके सामने represent हो रहा है two dimension state of stress. Here in this case एक body है जिसमें x directions पे आपके forces act कर रही है shear stress act कर रहा है normal stress sorry और y direction में आपका act कर रहा है. So along x direction what is the normal strain? Similarly along y direction what is the normal strain that we need to find out? Please tell me. Anyone can tell me? Dad, you there? Yes, sir. Yeah, so please tell me there ki if we want to find out the normal strain in x direction, what its equation? So sigma x by E minus mu sigma y by E. So can we write this expression that sigma x by E minus mu sigma y by E? Yes? Similarly, can we define this equation epsilon y also? So this can be written as sigma y by E minus mu times sigma x by E. Yes or no? Now the interesting part in this questions, you can see that two dimensions mean there are two dimension state of stress. But if we are going to define the value of z, so in that case the value of z should be zero. ठीक है. But इस equations को अगर हम represent करने की कोशिश करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? Epsilon z by e minus mu epsilon y by e minus mu epsilon x by e, right? अगर हम एक कंडीशंस लिखने की कोशिश करें, इस कंडीशंस को अगर हम समझने की कोशिश करें, वी नो दैट द सिग्मा जेड इज जीरो, राइट? बट वी आल्सो नो दैट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. इट मीन इट हैज सम वैल्यू, एंड इफ इट हैज सम वैल्यू इट इज डिफाइंड एज कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, दो इस डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इट मींस दैट अब यहां पे एक पॉइंट निकल के आता है, समझने वाली बात है कि दिस इज डिफाइंड एज ए प्लेन स्ट्रेन कंडीशन. ठीक है. तो अगर हमने बोला प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, अंडरस्टैंड दिस टर्म, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन. यस, प्लेन स्ट्रेस मींस इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशन. अ प्लेन एक प्लेन पे है और प्लेन का मतलब हो गया टू डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस का मतलब टू डायमेंशन स्ट्रेस कंडीशंस इज डिफाइंड एज इट इज जनरली produces three dimensional strain. Yes or no? आपने अभी क्या देखा कि एक two dimension state of stress के basis पे भी आपको three dimensional strain obtain होता है, but in some cases
cases, plane stress condition, but in some cases, plane stress condition, which is defined as two dimension, may produced, may produce plane strain condition. अब जब भी plane strain conditions का मतलब समझ में आया क्या होगा? Plane strain का conditions मतलब it is going to represent two dimension. It means there is no strain in z direction. Right? So there is no strain in z direction. तो वो examples अगर आप लिखना चाहो, so that can be like in a case of pure stress values produces three dimension stress. इसमें से अगर हम चाहें तो this value can be okay. नेक्स्ट पेज पे इसको डिफाइन करते हैं, दैट विल बी बेटर. तो एग्जांपल, अगर इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जांपल लाइक प्योर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? टू डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेन. सो दैट कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई, राइट? देयरफॉर एप्सिलॉन जेड इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? तो अब यहां पे एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं कि चलो, सिंस epsilon x can be written as what? Sigma x by e minus mu of sigma y by e, right? So agar hum isko thoda sa represent kare, so can we write this expression, e of epsilon x is equals to sigma x minus mu of sigma y. That is one thing. Similarly, epsilon y is equals to sigma y by e minus mu of sigma x by e, right? तो अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन डिफाइन किया? चलो, if we are going to write the same way, e epsilon y is equals to sigma y minus mu sigma x, right? Now we are going to multiply mu on both sides in this condition. So can we write mu e of epsilon y is equals to mu of sigma y, right? Minus mu square sigma x. This is the one equation. Suppose this is the one equation, and based on this you have to find the second equation, right? I'm going to add both the equation. Just tell me, if I'm going to add this equation, add one and two, let's see what will happen. So this equation becomes e, okay, epsilon x plus mu of epsilon y, that is equals to, just tell me one thing, kya ye mu sigma y or mu sigma y, when you are going to add the thing, ye cancel out ho jayega, right? So aapki yahi equation jo hai wo ban jayegi kya? Sigma x minus mu square sigma x. Okay,
so we can get the value of sigma x from this condition. अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो sigma x sigma x is defined as 1 minus mu square which is equals to e epsilon x plus mu epsilon y. Therefore sigma x can be written as e by 1 minus mu square epsilon x plus mu of epsilon y. So based on, remember class, based on your strain value, अगर आपको सिग्मा एक्स की वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन एक्स स्ट्रेन, तो अगर आपको ये नॉर्मल स्ट्रेन दिया हुआ है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, यू कैन आल्सो फाइंड आउट क्या सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया कैन वी राइट सिमिलरली सिग्मा वाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी. सिग्मा वाई की वैल्यूज कैन बी रिटन एज ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स है तो म्यू वाई के रिस्पेक्ट में ये एप्सिलॉन वाई हो जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन एक्स. सो आपकी वैल्यू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की कंडीशंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो गई. ओके अगर यहाँ पे ये वैल्यूज डिफाइन आप कर सकते हो तो आप ये भी तो डिफाइन कर सकते हो ना कि सिग्मा वन मतलब नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू सिग्मा वन सिग्मा एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करना चाहें विच कैन बी राइट एज ई बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू ऑफ एप्सिलॉन 2. Likewise, sigma 2 is also defined as E of 1 minus mu square epsilon 2 plus mu of epsilon 1. This is the normal stress on this particular conditions. Class, can you please solve question number 25? This is the question number 25. I believe this is visible to everyone. Yes. So in this question, it is said that consider a linear, elastic, rectangular, thin sheet of a metal subjected to uniform, uniaxial tensile stress of 100 megapascal along the length direction. Assume plane stress condition. In the plane, normal to the thickness, the Young's modulus E, 200 megapascal, and Poisson's ratio 0.3 are given. The principal strains in the plane of the sheet are. Please calculate this value. The principal strain in the plane of the sheet. So B. Answer is B. That is 0.5 and minus 0.15, right? So this questions can be solved with the help of the previous equation we have derived, or we have done different values for that? No, sir. Previous formula. Previous formula? Yes. Okay, let's everyone please at least apply this equation and solve this condition. सर वो प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले से भी कर सकते ना ये. यस 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 बट वो तो अभी मैंने लिखवाया नहीं.
आप प्रिंसिपल प्लेन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दैट दैट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. ओमकार यस यस I want to participate everyone. Please solve, otherwise I am going to solve this question. Or if it is clear to everyone, then we can move ahead. Just let me know. Class? Okay. See these conditions. If I'm going to draw a diagram of this particular condition, I'm going to draw in this particular way. So this is the thing that we are going to define. इन्होंने क्या बोला, linear elastic rectangular thin sheet of metal subjected to uniform uniaxial tensile stress. So it means what? एक टेंसाइल स्ट्रेस आपको यूनि एक्सियल डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, दैट वैल्यूज दैट कैन से दैट इट इज ऑफ सिग्मा एक्स एंड दिस मैग्नीट्यूड इज ऑफ 100 मेगापास्कल, राइट. वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस इज ऑफ एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज यू कैन से द जेड डायरेक्शन एंड दिस इज बेसिकली द वाई डायरेक्शन, राइट. एंड अज्यूम दिस इज अ प्लेन, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड दैट दिस इज अ केस ऑफ प्लेन ऑफ द शीट, right, and it is a plane stress condition. Yes, it is mentioned that it is a plane stress condition, right. So here in this case, if it is a plane stress condition, sigma z key value is already defined as a zero, right. And in this question, sigma y is also to be zero, and sigma x, because of uniaxial state of stress condition, it is to be given. Can we say that sigma x is equals to sigma y or 1 of 100 megapascal because of that, and sigma y is also to be defined as sigma 2, and which is also to be 0, yes or no? So based on these conditions we can define one values. Okay, agar humne bola ki epsilon x, तो x डायरेक्शन में आपका अगर हम बोले एप्सिलॉन 1, तो दैट कैन इक्वेशन कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन दिस माइनस म्यू ऑफ सिग्मा 2 बाय ई, राइट. सो दैट इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज 100 बाय 200 माइनस 0, दैट इज डिफाइंड एज 0.5. तो प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 की वैल्यूज क्या हो गई 0.5, एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा, that is sigma 2 by this minus mu of sigma 1 by e. अब ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो आपका हो जाएगा माइनस म्यू की वैल्यूज कितनी दी हुई है 0.3 sigma 1 of 1000, यानी कि 0.5 into 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.15. तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. चलो, we'll solve some other questions in the next condition. Till then, I believe this is clear to everyone. Yes? Okay. Now, next point. We are going to define a volumetric strain. Volumetric strain. We have already defined this volumetric strain. Just for the sake of simple understanding, volumetric strain is also known as dilatation, right. And we have defined volumetric strain. Agar main volumetric strain ki baat karta hu, so can we define volumetric strain epsilon v
it means what? Is strain, that is a summation of a strain in all the direction. Yes or no? So strain in x direction, we know the equation. Similarly, y direction ki bhi equation pata hai, z direction. So this, from this condition, we have defined in 1 minus 2 mu. मतलब हमने पहले ही उसको simplify करके रखा है. Into sigma x plus sigma y plus sigma z. Right? When you are going to solve this equation, you will get this result. So this is the equation of this condition, a normal case. अगर हमने बोला case 1 की ये this is defined as a one dimension stress condition. तो one dimension stress condition के case को अगर आप analyze करो, तो volumetric strain can be written as epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, which is equals to, अब देखो sigma y and sigma z का value zero होगा, तो यहाँ पे equation क्या बन जाएगा, one minus two mu by e into sigma x, right? Here in this case, अगर mu की values 1 by 2 होती है, यानी कि Poisson's ratio, always remember your volumetric strain in one dimension state of stress is also to be zero. Yes? Based on this condition. Now, we are going to define it is in two dimension state of stress. टू डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस. चलो अगर हम टू डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें, तो एप्सिलॉन वी अगेन इज अ समेशन ऑफ ऑल स्ट्रेन इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, राइट? तो वी कैन डिफाइन, अब यहाँ पे सिग्मा जेड की वैल्यू जीरो रहेगी, बिकॉज सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई टू डायमेंशन कंडीशन पे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई. Now the interesting part is, in that case, if mu is equals to 1 by 2, again your volumetric strain value is 0, right? It means what? It means what? See, can we define that sigma x plus sigma y is equals to 0? If mu is equals to this condition, we can define sigma x plus sigma y is equals to zero. Sigma x plus sigma y by zero ka matlab kya ho raha hai? Is sigma x is nothing but minus of sigma y. Kya ye pure shear case ko represent kar raha hai kya? Yes, it is a case of pure shear conditions. Now, case third. What is the case third? What is the case of case third? कोई बता सकता है? 3D stresses. 3D stresses. तो आदित्य मेरे को आप ये बताइए कि in a case of 3D stress condition, values क्या sustain करेगी? वही सर, total आएगा. So that can be of epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, yes, which is also equals to 1 minus 2 mu by e. Ab yahan pe jo values hogi sigma x plus sigma y plus sigma z, right? Fir this values ko, if mu is equals to 1 by 2, your volumetric strain is 0, else your sigma x plus sigma y plus sigma z ki value kya ho jayegi, right? So ek point yahan pe jo nikal ke aaya wo ye hai ki Poisson's ratio half, jab aap values put karte ho, you will always get, when you have a Poisson's ratio mu ki value 1 by 2 aayegi, your volumetric strain should be 0, right? So always remember the theory of plasticity जब हम case define करेंगे, किसको? Theory of plasticity. कोई बता सकता है क्या ये theory of plasticity का मतलब क्या हुआ?
दैट इज अ मेटल फॉर्मिंग कंडीशन, मतलब बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, राइट। हियर इन दैट केस म्यू इज ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर, म्यू इज ऑलवेज 1/2 एंड योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन शुड बी 0, राइट। सो दिस इज सम एनालिसिस ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन based on this condition, based on this criteria. Now I am going to analyze the strain conditions, correct. I am going to analyze the strain conditions, strain you can say analysis. As we all know that strain is a second order tensor, so therefore analysis is also similar as your stress conditions. So now I'm going to define or draw a two dimensions conditions. So similarly, like stress, we have defined a strain. So this is epsilon x, epsilon y, again epsilon y, and your epsilon x. Similarly, with respect to shear strain, yx/2, epsilon xy/2. Epsilon by 2, and this is also to be defined as epsilon yx, so xy by 2. Now suppose I'm going to draw a plane, or is plane pe humko ye calculate karna hai. This is the suppose karo theta. So in this particular plane, we are going to find the values of normal strain. Similarly, your shear strain values, right? So based on this, I am going to write an equation. So I believe this equation is very clear to everyone. जैसे अगर हमने normal strain की condition stress के लिए निकाला था, so similarly can we define the normal strain? Yes. So that normal strain equation can be defined as epsilon x plus epsilon y by 2 plus epsilon x minus epsilon y by 2 cos 2 theta plus shear strain tau xy by 2 sine 2 theta. Right. Likewise, define your shear strain, that is defined as of minus epsilon x minus epsilon y by 2 sine 2 theta plus epsilon y by 2 cos 2 theta, right. So similarly, same condition for principal plane, for principal plane your shear strain value should be equal to 0. So similarly, you put this value 0 here in this condition. 0 is equals to minus of epsilon x minus epsilon y by 2 sine 2 theta plus by 2 cos 2 theta, right. So based on this conditions, we can define the plane, that is tan 2 theta p.
दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन राइट. तो टैन टू थीटा पी कैन बी डिफाइंड एज ऑफ y by epsilon x minus epsilon y, because that 2 and that value 2 is to be defined, cancel out. So aapka jayega shear strain upon epsilon x minus epsilon of y. Likewise aapka plane pe shear plane ki jo values hai epsilon 1 and epsilon 2, अब क्या लिख सकते हो, दैट इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेन बाय 2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली फॉर, रिमेंबर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यूज कहाँ पे एक्ट कर रही थी, सिमिलरली योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज आल्सो अकर एट 45 डिग्री फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन. सो इट मींस व्हाट, दैट द थीटा पी प्लस 45 डिग्री इज द एंगल जहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यूज एक्ट करती है. तो आपका मैक्सिमम शियर प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यूज अगर देखो, बाय 2 कैन बी डिफाइन एज एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन y बाय 2, ये टू कैंसिल आउट. और आपको ये भी पता था कि वो रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यूज. ऑलवेज रिमेंबर दैट कैन बी एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y बाय 2 स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेन एक्स वाई बाई 2 ऑफ स्क्वायर.